नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्यहिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। विपक्ष के जोरदार विरोध, जबरदस्त हंगामा और भारी शोर शराबे के बीच बुधवार को एनसीटी विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया। इस विधेयक को लोकसभा की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। इस विधेयक के कानून बन जाने से दिल्ली में केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली की निर्वाचित सरकार की तुलना में अधिक अधिकार मिल जाएंगे। टीएमसी ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू से कहा था कि विधानसभा चुनावों के बाद इस पर बहस कराई जाए, क्योंकि चुनाव प्रचार में व्यस्त रहने के कारण टीएमसी के सांसद इसमें भाग नहीं ले पाएंगे। पर विधेयक उसी दिन राज्यसभा में पेश कर दिया गया और वह पारित भी हो गया। एनसीटी विधेयक के राज्यसभा में पारित होने के बीच आम आदमी सांसद संजय सिंह ने कहा, यह संविधान के खिलाफ है, चुनी हुई सरकार के खिलाफ है। महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण राज्यसभा में धृतराष्ट्र के सामने हुआ था, आज इस सदन में संविधान का चीरहरण हो रहा है। संजय सिंह ने जब कहा कि आज शिक्षा में सुधार को लेकर केजरीवाल की तारीफ अमेरिका तक कर रहा है, जिसके बाद बीजेपी के सांसद हंसने लगे, तो संजय सिंह ने कहा, ये रावण की हंसी है, ये अन्याय की हंसी है, ये दुर्योधन की हंसी है और हिटलर और गद्दाफी की हंसी है। और जब जब अन्याय होता है, अन्याय करने वाला ऐसे ही हंसता है। उन्होंने भावुक होकर सवाल किया कि आखिर हमारा अपराध क्या है, हमें जनता के हित में काम करने के अपराध की सजा दी जा रही है। एनसीटी विधेयक का विरोध करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि आज इस मसले पर कई दल चुप हैं या सोच रहे हैं कि इसमें हमारा क्या, दूसरे का मामला है या वो इस पर निर्णय ही नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ ये दो लाइनें कहना चाहूंगा, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। महाराष्ट्र में जारी घमासान के बीच शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि कुछ पुलिस अफसर बीजेपी के साथ मिलकर ठाकरे सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अफसर बीजेपी से मिले हैं। राउत ने दो टूक भाषा में कहा कि सरकार के खिलाफ साजिश रचने वाले अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा और जो ठाकरे सरकार को कमजोर समझ रहे हैं वो किसी मुगालते में ना रहें। उन्होंने कहा कि अभी तक इन लोगों को डिस्काउंट दिया जा रहा था। उन्होंने चेताया, हम थोक भाव में बजा देंगे और हमारी सरकार ये दिखा देगी कि ठाकरे क्या चीज हैं। राउत ने कहा कि अतीत में हमारी सरकार को समझने की भूल कुछ लोगों ने की थी, उनको सबक सिखा दिया गया है, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। महाराष्ट्र में चल रहे तमाम घटनाक्रमों को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार शाम को कैबिनेट की बैठक बुलाई। बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह और पूर्व इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला पर सरकार कार्रवाई करे। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही कैबिनेट की बैठक शुरू हुई, एनसीपी के एक मंत्री ने पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का मामला उठा दिया। मंत्री ने कहा कि परमवीर सिंह ने जिस तरह से बेबुनियाद आरोप गृह मंत्री पर लगाए हैं और उसके बाद इस पूरे मामले को विपक्ष के कहने पर उठाया, इससे न केवल सरकार की छवि खराब हुई बल्कि पुलिस विभाग में काम करने वाले पुलिस अधिकारियों के मनोबल पर असर पड़ा है। मंत्री ने आगे कहा कि अगर परमवीर के पास कुछ सबूत थे तो उन्हें इनको मुख्यमंत्री के साथ साझा करना चाहिए था, ना कि मीडिया में चिट्ठी लीक करके। इसलिए परमवीर पर ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे आगे कोई इस तरह की अनुशासनहीनता का परिचय ना दे सके। एक चुनावी सर्वे में तमिलनाडु में यूपीए आसानी से सरकार बनाती दिख रही है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में यूपीए को बहुमत मिलते दिखाया गया है। सर्वे के अनुसार यूपीए को 173 से 181 सीटें मिल सकती हैं। 234 विधानसभा सीटों वाले तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए किसी भी गठबंधन के पास 118 विधायकों का समर्थन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के झांसी में केरल की दो ननों को चलती ट्रेन से जबरन उतारने पर राहुल गांधी ने संघ को निशाने पर लिया है। राहुल ने ट्वीट कर कहा है, ये घटना संघ परिवार द्वारा एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए चलाए जा रहे दुष्प्रचार और अल्पसंख्यकों को रौंद डालने की सोच का नतीजा है। उन्होंने कहा, यह हमारे लिए एक राष्ट्र के रूप में आत्मनिरीक्षण करने और ऐसी विभाजनकारी ताकतों को हराने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने का समय है। बता दें, 19 मार्च को ट्रेन से जा रही ईसाई महिलाओं पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन में धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया और उनको बीच रास्ते में उतार लिया गया। बाद में पुलिस की तहकीकात के बाद उनको आगे जाने दिया गया। उत्तर प्रदेश में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर खाकी पर हमला किया और एक सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना ने पिछले महीने कासगंज में शराब माफिया द्वारा सिपाही की हत्या और पिछले साल कानपुर के बिकरू गांव कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के साथियों द्वारा 8 पुलिस वालों की नृशंस हत्या के घाव को हरा कर दिया।
ये ताजा घटना बुधवार शाम को आगरा जिले के खंदौली इलाके के नौहर्रा गांव में हुई। पुलिस को दो भाइयों के बीच विवाद होने की सूचना मिली। इस पर एसआई प्रशांत यादव मौके पर पहुंचे थे, लेकिन विवाद सुलझाने के दौरान ही छोटे भाई विश्वनाथ ने देसी कट्टे से एसआई यादव की गर्दन में गोली मार दी। यादव की मौके पर ही मौत हो गई और विश्वनाथ फरार हो गया। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किसान आंदोलन के चलते पंजाब में बढ़ रही नाराजगी को लेकर कहा है कि केंद्र सरकार पाकिस्तान को इस स्थिति का फायदा उठाने दे रही है। कैप्टन ने क्षेत्र की स्थिति के लिए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि आपने नहीं सोचा कि इस स्थिति में पाकिस्तान क्या करेगा। चेतावनी देते हुए कैप्टन ने कहा कि वो पंजाब में युवाओं के असंतोष का फायदा उठाएगा, जो वो पहले भी कर चुके हैं, इसलिए इतिहास से सीखने की जरूरत है। पंजाब में बढ़ती अवैध हथियारों की तस्करी के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए कैप्टन ने कहा कि क्या दिल्ली सो रही है। भारत में एक दिन में 53,476 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 251 लोगों की जान गई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,17,87,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,60,000 के पार हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 3,95,000 से अधिक हैं। इसके अलावा देश भर में 5,31,45,000 से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। मुंबई में फिर से कोरोना बेकाबू हो गया है। शहर में एक दिन में 5,185 कोरोना संक्रमण के मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। एक दिन में ये अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। एक दिन में शहर में 6 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र देश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण से प्रभावित राज्य है। राज्य में बुधवार को 31,855 मामले दर्ज किए गए। अब हर रोज कोरोना संक्रमण के करीब 30,000 केस आने लगे हैं। एक हफ्ते में 2 बार सार्वजनिक स्थानों पर गोलीबारी के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कांग्रेस से हमला करने वाले हथियारों पर प्रतिबंध लगाने और बंदूक खरीदने वाले की पृष्ठभूमि की सख्ती से जांच करने को कहा है। बाइडेन ने कहा कि मुझे और एक भी मिनट इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, सामान्य बुद्धि के कदम उठाने के लिए जो भविष्य में जिंदगियों को बचाएंगे। बाइडेन ने कहा कि मैं सदन और सीनेट के अपने सहयोगियों से अपील करता हूं कि वो कार्रवाई करें। बता दें, हाल ही में अमेरिका में सार्वजनिक स्थानों पर गोलीबारी में 18 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।